दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कजरोली थाना क्षेत्र के गोराची चौक गांव में 5 जून 2017 की शाम गांव की सोनी से प्रेम विवाह रचाने वाले हिमांशु कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना वाली शाम जब हिमांशु की माँ जैलेश देवी घर में खाना बना रही थी, उसी वक्त सभी अभियुक्तों ने हरवे हथियार के साथ हमला बोल दिया। पहले जैलाश देवी को बेरहमी से पीटा। उस वक्त घर पर हिमांशु और सोनी भी मौजूद थी। माँ को पीटते देख हिमांशु ने अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर वापस पास की हेड ड्राइवर की दुकान में घुसना चाहा, लेकिन तब तक अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और वहीं लाठी डंडे से पीटा और खंती से गोद कर मार डाला। हथियारों को इतना पर संतोष नहीं हुआ तो गोली मार दी। इसके बाद सोनी को वे लोग वहां से अपने साथ उठा ले गए, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि कजरेली पुलिस आज भी उसे कागज़ को ढूंढ रही है। वैसे दबी जुबान से लोगों को सोनी गायब होने को लेकर तरह तरह के किस्से कहते हैं, लेकिन सोनी की बरामदगी के आसपास आज भी कजरेली पुलिस को 2 साल बीतने को है। चर्चित हिमांशु हत्याकांड में पंचम अपर जिला एवं अचर अन्यायाधीश दीपकर पांडे की अदालत में जेल सिपाही प्रताप यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा 24 जुलाई को सुनाई जाएगी। सरकार की ओर से ऊपर लोक अभियुक्त नरेश प्रसाद राम ने बहस में भाग लिया। शनिवार को इस मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसला सुनाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग 11 बजे पहुंचने लगे थे। लंच के बाद दूसरी पाली में जब न्यायाधीश इजलास के बैठे तो पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद 3:20 बजे सभी 19 आरोपियों को कटघरे में लाया गया। 20 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 3:40 बजे सभी 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों के घरों से महिला और बच्चे भी कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इस बीच कमांडो सिपाहियों ने सुरक्षा घेरा लिया, अभियुक्तों को इजात और से ले जाने लगे। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अभियुक्तों को पंचम एडी की अदालत से हजार तक ले जाने में सुरक्षा कर्मियों को 30 मिनट लग गए। एनडीजी की अदालत से 50 कदमों की दूरी पर अजात मौजूद है। ज्ञात हो प्रेम प्रकाश महिला हिमांशु की हत्या 5 जून 2017 को कोजरी थाना क्षेत्र के गोरा चौक में की गई थी। इस मामले में हिमांशु की मां जैलेश देवी का बयान एफआईआर में दर्ज किया गया था। हत्याकांड को लेकर तब तक जिले में काफ़ी हंगामा हुआ था। गंभीर इलाके में पुलिस नामजाद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। तब काफ़ी मकसद बाद कुछ गिरफ्तारी हो सकी तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर लिया था। बिहार के चर्चित हिमांशु हत्याकांड मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए 19 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं हिमांशु के परिजनों की सुरक्षा में पुलिस बल अभी भी तैनात है। घटना के बाद अदालत के आदेश पर हिमांशु के परिजनों को सुरक्षा दी गई है। दरअसल हिमांशु हत्याकांड का मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसमें कजरोली थाने में गोरा चौकी गांव में ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हिमांशु और सोनी के बीच प्रेम हो गया था। घटना के साल भर पहले दोनों घर से भाग गए थे। कजरोली थाना में सोनी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन बरामद होने के बाद सोनी ने अपहरण की घटना इनकार किया था। 20 अप्रैल 2017 को दोनों दोबारा घर से भाग गए और 24 अप्रैल को गोनूधाम मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली चले गए थे। इस दौरान सोनी गर्भवती हो गई। गांव का मोहल्ला सामान्य होने के बाद घटना को 2 सप्ताह पहले घर लौटे थे। गांव लौटने के बाद गांव में फिर से तनाव उत्पन्न हो गया था। जून 2017 की शाम लड़की पक्ष की ओर से पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के फैसले के बाद लड़की के पक्ष ओर से ली गई हिमांशु की हत्या कर उसकी मां जैलेश देवी को घायल कर दिया था। कजरेली थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव के कुछ लोगों ने हिमांशु की गर्भवती पत्नी को सोनी का अपहरण कर लिया था। वहीं हत्याकांड के दोषी सोनी के पिता परमानंद समेत
19 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि अपहरण की गई सोनी की बरादरी के भागलपुर और बांका में छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं पता चला। थाना प्रभारी कौशली भारती ने कहा, आशंका है कि अपहरण के बाद सोनी की हत्या का शव को गायब कर दिया गया है। सचित्र हिमांशु हत्याकांड में पंचम अपर जिला एवं अचर न्यायाधीश दीपक कर पांडे की अदालत में जेल सिपाही प्रताप यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा 24 जुलाई को सुनाई जाएगी। सरकार की ओर से ऊपर लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बहस में भाग लिया। शनिवार को इस मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसला सुनाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग 11 बजे पहुंचने लगे थे। लंच के बाद दूसरी पाली में जब न्यायाधीश इजलास के बैठे तो पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद 3:20 सभी 19 आरोपियों को कटघरे में लाया गया। 20 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 3:40 सभी 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों के घरों से महिला और बच्चे भी कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इस बीच कमांडो सिपाहियों ने सुरक्षा घेरा लिया, अभियुक्तों को इजात और से ले जाने लगे। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, अभियुक्तों को पंचम एडी की अदालत से हजार तक ले जाने में सुरक्षा कर्मियों को 30 मिनट लग गए। एनडीजी की अदालत से 50 कदमों की दूरी पर अजात मौजूद है। ज्ञात हो प्रेम प्रकाश महिला हिमांशु की हत्या 5 जून 2017 को कोजरी थाना क्षेत्र के गोरा चौक में की गई थी। इस मामले में हिमांशु की मां जलेश देवी का बयान एफआईआर में दर्ज किया गया था। हत्याकांड को लेकर तब तक जिले में काफ़ी हंगामा हुआ था। गंभीर इलाके में पुलिस नामजाद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। तब काफ़ी मकसद बाद कुछ गिरफ्तारी हो सकी तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर लिया था। कजरोली थाना क्षेत्र के गोराची चौक गांव में 5 जून 2017 की शाम गांव की सोनी से प्रेम विवाह रचाने वाले हिमांशु कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना वाली शाम जब हिमांशु की मां जलेश देवी घर में खाना बना रही थी, उसी वक्त सभी अभियुक्तों ने हरवे हथियार के साथ हमला बोल दिया। पहले जैलाश देवी को बेरहमी से पीटा। उस वक्त घर पर हिमांशु और सोनी भी मौजूद थी। मां को पीटते देख हिमांशु ने अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर वापस पास की हेड ड्राइवर की दुकान में घुसना चाहा, लेकिन तब तक अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और वहीं लाठी डंडे से पीटा और खंती से गोदकर मार डाला। हथियारों को इतना पर संतोष नहीं हुआ तो गोली मार दी। इसके बाद सोनी को वे लोग वहां से अपने साथ उठा ले गए, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि कजरेली पुलिस आज भी उसे कागज को ढूंढ रही है। वैसे दबी जुबान से लोगों को सोनी गायब होने को लेकर तरह तरह के किस्से कहते हैं, लेकिन सोनी की बरामदगी के आसपास आज भी कजरेली पुलिस को 2 साल बीतने को है। 20 अप्रैल 2017 को दोनों दोबारा घर से भाग गए और 24 अप्रैल को गोनूधाम मंदिर में शादी कर ली थी। शादी के बाद दोनों दिल्ली चले गए थे। इस दौरान सोनी गर्भवती हो गई। गांव का मोहल्ला सामान्य होने के बाद घटना को 2 सप्ताह पहले घर लौटे थे। गांव लौटने के बाद गांव में फिर से तनाव उत्पन्न हो गया था। जून 2017 की शाम लड़की पक्ष की ओर से पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के फैसले के बाद लड़की के पक्ष ओर से ली गई हिमांशु की हत्या कर उसकी मां जैलस देवी को घायल कर दिया था। कजरेली थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव के कुछ लोगों ने हिमांशु की गर्भवती पत्नी को सोनी का अपहरण कर लिया था। वहीं हत्याकांड के दोषी सोनी के पिता परमानंद समेत 19 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि अपहरण की गई सोनी की बरादरी के भागलपुर और बांका में छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं पता चला। थाना प्रभारी कौशली भारती ने कहा, आशंका है कि अपहरण के बाद सोनी की हत्या का शव को गायब कर दिया गया है। बिहार के चतित हिमांशु हत्याकांड मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए 19 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं हिमांशु के परिजनों की सुरक्षा में पुलिस बल अभी भी तैनात है। घटना के बाद अदालत के
आदेश पर हिमांशु के परिजनों को सुरक्षा दी गई है। दरअसल हिमांशु हत्याकांड का मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसमें कजरौली थाने में गोरा चौकी गाँव में ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हिमांशु और सोनी के बीच प्रेम हो गया था। घटना के साल भर पहले दोनों घर से भाग गए थे। कजरौली थाना में सोनी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन बरामद होने के बाद सोनी ने अपहरण की घटना इनकार किया था। चचित्र हिमांशु हत्याकांड में पंचम अपर जिला एवं अचर न्यायाधीश दीपक कर पांडे की अदालत में जेल सिपाही प्रताप यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा 24 जुलाई को सुनाई जाएगी। सरकार की ओर से ऊपर लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बहस में भाग लिया। शनिवार को इस मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसला सुनाने के लिए काफ़ी संख्या में लोग 11 बजे पहुंचने लगे थे। लंच के बाद दूसरी पाली में जब न्यायाधीश इजलास के बैठे तो पहले जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद 3:20 सभी 19 आरोपियों को कटघरे में लाया गया। 20 मिनट तक दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 3:40 सभी 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। आरोपियों के घरों से महिला और बच्चे भी कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। इस बीच कमांडो सिपाहियों ने सुरक्षा घेरा लिया, अभियुक्तों को इजाज और से ले जाने लगे। भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, अभियुक्तों को पंचम एडी की अदालत से हजार तक ले जाने में सुरक्षा कर्मियों को 30 मिनट लग गए। एनडीजी की अदालत से 50 कदमों की दूरी पर हजात मौजूद है। ज्ञात हो प्रेम प्रकाश महिला हिमांशु की हत्या 5 जून 2017 को कोजरी थाना क्षेत्र के गोरा चौक में की गई थी। इस मामले में हिमांशु की मां जलेश देवी का बयान FIR में दर्ज किया गया था। हत्याकांड को लेकर तब तक जिले में काफ़ी हंगामा हुआ था। गंभीर इलाके में पुलिस नामजाद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। तब काफ़ी मकसद बाद कुछ गिरफ्तारी हो सकी तो कुछ ने आत्मसमर्पण कर लिया था। कजरौली थाना क्षेत्र के गोराची चौक गांव में 5 जून 2017 की शाम गांव की सोनी से प्रेम विवाह रचाने वाले हिमांशु कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना वाली शाम जब हिमांशु की मां जैलेश देवी घर में खाना बना रही थी, उसी वक्त सभी अभियुक्तों ने हरवे हथियार के साथ हमला बोल दिया। पहले जैलाश देवी को बेरहमी से पीटा। उस वक्त घर पर हिमांशु और सोनी भी मौजूद थी। मां को पीटते देख हिमांशु ने अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर वापस पास की हेड ड्राइवर की दुकान में घुसना चाहा, लेकिन तब तक अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और वहीं लाठी डंडे से पीटा और खंती से गोद कर मार डाला। हथियारों को इतना पर संतोष नहीं हुआ तो गोली मार दी। इसके बाद सोनी को वे लोग वहां से अपने साथ उठा ले गए, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि कजरौली पुलिस आज भी उसे कागज़ को ढूंढ रही है। वैसे दबी जुबान से लोगों को सोनी गायब होने को लेकर तरह तरह के किस्से कहते हैं, लेकिन सोनी की बरामदगी के आसपास आज भी कजरौली पुलिस को 2 साल बीतने को है। बिहार के चचित्र हिमांशु हत्याकांड मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए 19 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं हिमांशु के परिजनों की सुरक्षा में पुलिस बल अभी भी तैनात है। घटना के बाद अदालत के आदेश पर हिमांशु के परिजनों को सुरक्षा दी गई है। दरअसल हिमांशु हत्याकांड का मामला प्रेम प्रसंग का था, जिसमें कजरौली थाने में गोरा चौकी गाँव में ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हिमांशु और सोनी के बीच प्रेम हो गया था। घटना के साल भर पहले दोनों घर से भाग गए थे। कजरौली थाना में सोनी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन बरामद होने के बाद सोनी ने अपहरण की घटना इनकार किया था। कजरौली थाना क्षेत्र के गोराची चौक गांव में 5 जून 2017 की शाम गांव की सोनी से प्रेम विवाह रचाने वाले हिमांशु कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना वाली शाम जब हिमांशु की मां जैलेश देवी घर में खाना बना रही थी, उसी वक्त सभी अभियुक्तों ने हरवे हथियार के साथ हमला बोल दिया। पहले जैलाश देवी को बेरहमी से पीटा। उस वक्त
घर पर हिमांशु और सोनी भी मौजूद थी। माँ को पीटते देख हिमांशु ने अपनी जान बचाने के लिए घर से निकलकर वापस पास की हेयर ड्रायर की दुकान में घुसना चाहा, लेकिन तब तक अभियुक्तों ने उसे पकड़ लिया और वहीं लाठी डंडे से पीटा और खंती से गोद कर मार डाला। हथियारों को इतना पर संतोष नहीं हुआ तो गोली मार दी। इसके बाद सोनी को वे लोग वहां से अपने साथ उठा ले गए, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि कजेली पुलिस आज भी उसे कागज़ को ढूंढ रही है। वैसे दबी जुबान से लोगों को सोनी गायब होने को लेकर तरह तरह के किस्से कहते हैं, लेकिन सोनी की बरामदगी के आसपास आज भी कजरेली पुलिस को 2 साल बीतने को है।